नमस्कार। आज सुबह औरैया से जो दर्दनाक खबर आई है, जिसमें कि श्रमिक लगभग जो मजदूर भाई थे लगभग 25 की संख्या में, जिनके हादसे में मौत हो गई है, इस खबर को सुनकर के हम सभी लोग जो हैं मर्माहत हैं। और एक बड़ी घटना हुई है और लगातार हर एक दिन कोई ना कोई घटना जो है, मौत की खबरें जो हैं सड़क हादसों की, चाहे रेलगाड़ियों से हों या गाड़ियों से कुछ ले जा रहे हैं, लगातार श्रमिक भाइयों की खबर हम लोगों तक आ रही है। और इस शोक के घड़ी में हम उन श्रमिक भाइयों के जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति पूरी संवेदना को हम प्रकट करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और साथ ही साथ भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द जो है उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और जल्द से जल्द वो रिकवर करें। आप देखिएगा, लगातार जो है भूख से और हादसों से 40 से भी ज़्यादा जो श्रमिक भाइयों की मौतें हो चुकी हैं बिहार में। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में कहा जाता है कि यहाँ मजबूत सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और ये खबर सुनकर के हम बेहद मर्माहत हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि लगातार जो है 50 दिन से भी ज़्यादा जो है श्रमिक भाइयों ने सरकार को पूरा सहयोग किया, लगातार जो है सरकार के फैसले के साथ खड़े रहे। लेकिन जहाँ भी वो थे, जिस शहर में थे, जिस राज्य में रहें, वहाँ उनको रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। वो कोरोना से मरते या नहीं मरते, लेकिन भूख से ज़रूर मर जाते। तो सब लोगों की कामना थी, सब लोग चाहते थे मजदूर भाई कि वो वापस आए, बिहार आए या अपने अपने राज्य जाएं जहाँ के भी श्रमिक मजदूर रहे हों। और सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि उन सभी लोगों को जो है अपने घर वापस पहुँचाया जाए। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और अब रेलगाड़ी चालू है। मुझे समझ से पड़े है कि 12,000 से भी ज़्यादा जो है रेल वो जो है खड़ी हैं और भारतीय रेलवे की क्षमता एक दिन में 2 करोड़ लोगों को, एक दिन में 2 करोड़ लोगों को जो है लाने की है। लेकिन फिर भी आज 35 दिनों बाद भी हमारे भाई मजदूर अब तक जो है घर वापस नहीं कर पाए, पैरों में छाले पड़ गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हम लोग सरकार को पूरा सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के मदद को नहीं लिया जा रहा। हम सरकार के लोगों से एक चीज जानना चाहते हैं, ये डबल इंजन की सरकार है, ये जितनी भी मौतें हुई हैं, 40 से भी ज्यादा मौतें हुई हैं भूख से या एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और ऐसी सरकार का क्या फायदा कि 35 दिनों बाद भी जो है हम अपने भाइयों को वापस नहीं ला सकते? ऐसी सरकार का क्या फायदा है? ऐसी सरकार पे धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी सरकार पर। हम लोग पूरी तरीके से जो है दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ये हाथ से देखे नहीं जाते। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि पूरी व्यवस्था कराई जाए। लगातार जो है दिशा निर्देशों का मखौल सरकार के लोग ही उड़ाने का काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, आप बाहर निकलिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आप जायजा लीजिए कि क्या व्यवस्था है, क्या किया जा रहा है।
और इनको लाने में जल्द से जल्द लाने का काम करवाइए, डबल इंजन की सरकार है। और ज़्यादा हमको कुछ नहीं कहना, एक बार फिर पुनः हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों को आत्मा, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो दुर्घटना में जो घायल हैं उनकी जल्द से जल्द रिकवरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।